स्पाइस अरीना, फिरोजपुर रोड, लाहौर। बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है इधर इंडोर, और अगर आपने आउटडोर है विंटर एंजॉय करें, अच्छा एनवायरनमेंट है। Best place for outing with family. बच्चों के लिए आप आएँ डे टाइम में, ज़बरदस्त environment भी बहुत ज़बरदस्त है। आई होप के इनका खाना भी अच्छा हो। Beautiful view. फिरोजपुर रोड है, नाइट व्यू, स्पाइस अरीना। किधर है हमारी सिटिंग? इधर है, आज हम आए हुए हैं स्पाइस अरीना, फिरोजपुर रोड, लाहौर। हमारे कोलीग हैं जवाब, उनकी फेयरवेल है, तो ये जो वेन्यू है ये हमने उनकी चॉइस में छोड़ा था कि जो भी वो सिलेक्ट करेंगे वही हम जो है विज़िट करेंगे। तो अच्छा लगा मुझे, बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है इनका। आई होप के इनका जो खाना है वो भी अच्छा हो, लेकिन एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर मैं अगर इसको रेट करूँ तो शायद मैं इसको 10 out of 10 करूँ। अमेजिंग एनवायरनमेंट, और आप आएँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, आएँ वीकेंड वगैरह के ऊपर, डे टाइम में आएँ बच्चों के साथ, और हाईली रिकमेंड है। लेकिन अगर मैं बाहर फिरोजपुर रोड की पर बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा ये यहाँ पर रश है, ट्रैफिक है, अदरवाइज हाईली रिकमेंडेड। दो कढ़ाई पनीर, दो पानी की बड़ी बोलो, छः दो आपके फ्रेश सैलड हैं और दो अभी हैं, और कोल्ड ड्रिंक आप करने आप लगवा ले रही आई हूँ शेयर करते हैं। बड़ी मुश्किल से हुआ, फैमिली वाला बेटा ये वाला फैमिली हो रही है तो वो बात हम निकल जाए दोस्तों की जा जाते हैं कॉपे बाहर भी बहुत चौक है। हाँ बाहर सर्दी की लड़ना जुकाम हुआ था सारा वो नहीं होता दोनों अच्छी है। मैं कहता हूँ कि बंदे की नीयत सही होनी चाहिए,
मुझे सबसे मैं जो कॉन्फिडेंस है ना ये होना चाहिए बंदे बहुत कॉन्फिडेंस। तो अपने से दीनी लिहाज से हर बंदे को अच्छा समझो लेकिन खुददारी के लिहाज से समझो। क्योंकि मेरा माहौल ऐसा है मेरे पास कोई आ जाए कोई एनी बॉडी तो मेरे मैं क्या मतलब अलग है वो करोड़ वगैरह पड़ी होंगे साथ। लेकिन मैंने कभी भी प्रेफर नहीं किया ये मैं करता है ना मतलब कि यार ये क्या हो गया अगर मैं थाने भी हूँ या मैं अपने दफ्तर में हूँ ऐसे ही है। और इतना बंदा गरीब है उसको प्रेफर करो अल्लाह की रज़ा के लिए फिर अल्लाह की रज़ा बढ़ता है। अपने दोस्तों के काम अपने बहन भाइयों के काम नेक नीति से बेलौस अल्लाह की रज़ा के लिए हमने किए हैं फिर अल्लाह की रज़ा सब पे डाल दिया है। और फिर जो बड़ा बड़ा काम है ना वो भी ऐसी आसानी से हुआ जैसे ये काम था ही। मेरा कजन है मेरे मामू का बेटा है वो आपकी तरफ तरह सर जी खाना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डायरेक्ट मैसेज। आज हम आए हुए हैं स्पाइस अरीना मेरी फेयरवेल है जवाद मेरा नाम है मैं क्रॉस स्टिच में जॉब कर रहा था आरएम फैमिली में और आज लास्ट डे है मेरा और बड़ा मुझे मज़ा आया क्रॉस स्टिच में 2 साल मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं और शेर भाई की अंदर मैंने जॉब की है 2 साल मुझे बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट मैंने की है और ये जो मूवमेंट्स हैं मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी भी जो है ना इनको ये मुझे ये भूल ही नहीं सकती मैं। थैंक यू सो मच। कोई शेर के लिए मैसेज शेर भाई के लिए जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेज हैं। अच्छा व्हाट्सएप पे करोगे? मेरा शेर भाई से सिर्फ एक मुतालबा है मैं अक्सर उनको कहता होता हूँ कि बस वो ना नमाज शुरू कर दें। नमाज शुरू कर दें इंशाल्लाह सही है। मैं जाता होता था उनके साथ मैंने उनको बहुत दफ़ा कहा है वो कहते हैं मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ मैंने उनको कहा कि शेर भाई आप नमाज पढ़ें तो इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है। और इरफान के लिए कोई मैसेज? ये मेरी है इरफान के लिए भी जो है इरफान के साथ ही मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है तो इरफान के लिए भी मेरा जो है अच्छी ही मेरी विशेज है सारी। तो बस ये है कि इरफान भी मेरी ये ख्वाहिश है कि इरफान मजीद क्रॉस स्टिच में जो है ना ऊपर लेवल पे जो है ना आके सर्व करे। और हमायों के लिए? और हमायों साहब तो बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं मेरे साथ मेरे ईश्वर वाली साइड में इन्होंने मेरे साथ काम किया है तो हमायों साहब के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि हमायों साहब अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे खुशहाली दे। और मुदस्सिर अभी नया है ये मेरी है मेरा हम उम्र ही है तो अल्लाह पाक इसको भी मजीद असकार के लिए कोई मैसेज? असकार भाई बहुत अच्छे भाई हैं हमारे बड़े तो असकार भाई से मैंने बड़ी चीज़ें सीखी हैं जब मैं आरएम में आया था फ्रेश था बिल्कुल तो असकार भाई ने बड़ा जो है ना हमें काम के हवाले से भी लाइफ के हवाले से भी बड़ा। वकास सारे के लिए कोई मैसेज? वकास भाई के साथ डिपार्टमेंट तो नहीं मेरा रहा आना जाना लेकिन वकास भाई के साथ अच्छी गैदरिंग रही है हमारी तो अल्लाह पाक का। और जाहिर सलीम के लिए कोई मैसेज? जाहिर साहब जो है ना पहले तो इतना मेरे साथ बातचीत नहीं थे करते लेकिन जाहिर साहब को जब पता चला उसके बाद जाहिर साहब को मेरे साथ प्यार हो गया तब से जाहिर साहब जो है ना मेरे साथ माशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं और मैं हमेशा जाहिर साहब को याद। अच्छा और राना फान के लिए कोई मैसेज? बस राना साहब आपके लिए मैसेज हमारा कोई नहीं है तो आपके साथ भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है अल्लाह पाक आपको भी मजीद कामयाब करे यार बहुत शुक्रिया ऑल द बेस्ट। और अंकल आपका कोई मैसेज क्रॉस स्टिच की टीम के लिए? मैं आपकी टीम को देख के मुझे रूहानी खुशी हुई है और मैं
मरते दम तक ये रिस्पांस इस टीम की खुशियां देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, इतनी मुखलस टीम और इतने प्यार वाले बच्चे फैमिली, ये मुझे पहले मैंने कभी नहीं देखा। हमें भी अंकल बड़ा अच्छा लगा, आप तशरीफ लेके आए हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका था मैसेज जवाद के लिए। बिल्कुल, जवाद के लिए मेरी बेस्ट विशेज है, ठीक है, कि ये अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इसके लिए इसने इतनी एफर्ट करा, मेहनत करा, कोशिश करा, उसमें अल्लाह ताला को कामयाब करे, इसको जीत आगे लेके जाए, बाकी इन फ्यूचर कभी हम हमेशा बेस्ट विशेज हैं जवाद के लिए, छोटा भाई है और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह हमसे मिलेगा और अगर कोई ज़िंदगी में काम हो तो भाई आता है आपका। दसर जवाद भाई बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और जवाद भाई ये एक बात बहुत अच्छी लगती है, जवाद भाई एक बात नहीं छोड़ते माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको आगे भी और ज़्यादा तरक्की दे। हम आइए ज़ोर से बोल रहे हैं। अच्छा जवाद ने आज इन्होंने कि जो वाले साहब हमारे दरबार मौजूद हैं, ये खुशी की बात है हमारे लिए, और जो इन्होंने हमें नसीहतें की आज और उस सारी की झलक इनकी बेटे में नज़र आती है, रिफ्लेक्शन है, इसलिए कि जो कुछ आपने हमें बताया है वो सारी बातें इनसे नज़र आती हैं, और ये अक्सर जब बात करते हैं ना तो ऐसी ही बात करते हैं जैसे आप बयान कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी तरबियत है इनकी और ये एक अच्छा लड़का है और बेस्ट है जवाब के लिए, और मैं जवाब को बोल रहा हूँ कि अपने अबू की तरह ही बनो, अबू की तरह बनो माशाल्लाह। जवाब की बताइए ऐसे सही है। ये ज़रा एक स्पेशल आ गया, कोई स्वीडिश है, इसके बाद जो है ना वो हम इरफान से पूछते हैं। मेरी भी जवाब के लिए बेस्ट विशेज हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे, जहाँ भी जा रहा है अल्लाह ताला खुशियाँ दे उनको और मज़ीद जो है ना कामयाबियाँ आता है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जी भाई जवाब भाई आपने मुझे बहुत रोली क्लोए किया, आई एम नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन, मैं डाउन टू अर्थ और बहुत हम्बल आदमी हूँ। एक्चुअली मेरा आपके साथ वर्क रिलेशन जो कोऑर्डिनेशन है बहुत कम है, तो मेरा ज़्यादा वकास के साथ होता था, इरफान के साथ और मतीन के साथ होता था, तो वो तो एक दो दफ़ा आपके साथ हल्का फुल्का जोक किया और आपने कहा आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन हो, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप अपनी जो आपकी ख्वाहिशात हैं, आप जो अपनी डिज़ायर जॉब है वो इंशाल्लाह अचीव कर लोगे। वेल विशेस फॉर योर फ्यूचर। चला जी जवाब, गुड लक, थैंक यू राणा साहब, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.